जैसा कि आप लोग को पता है कि सेक्शन 144 कश्मीर के बहुत सारे जिले में लगाया गया है, तो आज इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं आप लोग के थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं जनता से बात करना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया पे, नेटवर्क पे, जिसमें कि टेररिस्ट को, टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया जाता है, जिसमें लोगों को, आम जनता को डराया जाता है, मुखबिर बोला जाता है, या फिर ऐसे ऐसे मीडिया पे ग्रुप्स जिसमें हेट्रेड फैलाया जाता है, इलविल फैलाया जाता है, हम जाने या अनजाने में ऐसे ग्रुप के मेंबर बनते हैं। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसे ग्रुप्स के मेंबर ना बने, क्योंकि आज के बाद से ये एक इलीगल एक्ट है जिसमें लॉ में आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो जो भी बच्चे ऐसे ग्रुप के मेंबर्स हैं और जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स या फिर ऐसे न्यूज़ को आगे शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आगे वाले ग्रुप में, वो ना करें। अगर ऐसा करने पे पुलिस को पता चलता है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और गार्जियन से, पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के मोबाइल्स को देखें और अपने बच्चों के मोबाइल को ये बताएं कि ऐसा एक्ट ना करें। ये आप लोग के जागरूकता फैलाने के लिए ये मैंने सोचा है कि एक बार आपको बताया जाए, ताकि आगे से आपको ये पता होना चाहिए कि ये, चाहे आप नोइंगली या अननोइंगली ये काम करते हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली करते हैं, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। यानी साइबर क्राइम जो है वो उस पर ज्यादा से ज्यादा जो है एक्शन ली जाएगी। बिल्कुल। और ये हमारे हिसाब से, ये जो डर का माहौल इससे आगे फैलता है, इसको बंद करने के लिए, और ये जो सोशल मीडिया का मिसयूज थ्रू अक्रॉस हो रहा है, इसको बंद करने के लिए ये एक्शन लिया जाए। थैंक यू।